तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपकी समसामयिक घटना चक्र जो वार्षिकांक निकलती है ना, ये दृष्टि निकालता है ना, वही है ये। और आप जानते हैं यूपीपीसीएस का पेपर होता है उस समय जरूर निकाली जाती है ऐसी। तो इसमें आप देखेंगे कि हम लोगों ने आपका राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म कर चुके हैं, उसमें आपका विधिक परिदृश्य उसके बाद खत्म किया था, उसके बाद आपने देखा था अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ये जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं उन सबको देखा था। फिर आपने देखा है कि आर्थिक परिदृश्य भी हम लोगों ने देख चुके हैं, जिसमें आपका बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, और भी जो प्रमुख तथ्य थे जो हर 19 और 20 में घटे उनको भी देखा था। अब एक नया टॉपिक है आपका वैज्ञानिक परिदृश्य। क्या है वैज्ञानिक परिदृश्य? इसमें आप देखेंगे रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरणीय, विज्ञान संबंधी जो भी 2019-20 में घटनाएं घटी हुई है उनसे संबंधित आंकड़े लिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, अद्यतन खगोलीय गतिविधियां देखते हैं, ठीक है? यानी कि 2019 और 20 में जो भी घटनाएं घटी हुई है उन्हीं को देखते हैं हम लोग खगोलीय विज्ञान से संबंधित। एक पॉइंट और याद रखिए आप कि 2020 में आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कुछ ज्यादा कुछ नहीं हो पाया, इसलिए 2019 की घटनाओं को भी आप लोगों को याद रखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार करंट अफेयर्स हो सकता है कि 2019 का पूछ ले, क्योंकि 2020 आपने देखा है कि पूरा कोरोना और लॉकडाउन के चक्कर में खत्म होने वाला है। तो थोड़ा जोर दे लीजिए, जो भी 19 के आंकड़े हैं उन पर जरूर ध्यान दिया करिएगा। और वैसे भी तो आप देखते हैं कि कभी कभी 2017 का करंट पूछ लेता है, 2018 का करंट पूछ लेता है, तो थोड़ा इस तरह से पढ़ा करिएगा कि याद बना रहे। अगर पूछता है तो आगे आप कम से कम सॉल्व करने की स्थिति में तो हो, ठीक है? और इसमें जितनी भी आपकी क्लासें ली जा रही हैं, समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से आपकी एक सूची बना दी गई है, उसी में डली हुई है, ठीक है? और लास्ट में क्या करूंगा कि सभी को जोड़कर एक क्लास उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग अद्यतन खगोलीय गतिविधियों की बात करते हैं। तो आप देखेंगे साराभाई क्रेटर 12 अगस्त 2020 को इसरो, हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया है। डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के पूरा होने के अवसर पर इसरो ने उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया है। आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि ये किसने जारी किया है, तो आप कह दीजिए कि इसरो ने, और किस कहां से लिया गया है, चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है ये साराभाई क्रेटर। याद रहे कि 1974 में सिडनी स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ में मेयर मेयर सेरेनेटिस या सी ऑफ सेरेनेटिस पर स्थित क्रेटर को साराभाई क्रेटर नाम दिया गया था। बड़े अजीब नाम होते हैं, कभी उच्चारण में अगर गलती हो जाती है तो आप लोग सुधार लिया करिएगा। मुझे लगता है कि आप लोग इतने तो समझदार हो चुके हैं। 20 जुलाई 2020 को चंद्रमा चंद्रयान टू कि टेरेन मैपिंग कैमरा 2 के द्वारा साराभाई क्रेटर का 3D चित्र लाया गया था। यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में मेयर सेरेनेटेटिस में स्थित है। मेयर सेरेनेटेटिस चंद्रमा पर स्थित एक गहरा और डार्क चित्र है, जिसमें विशाल समतल लावा का मैदान भी है। इस क्रेटर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर पूर्व में नासा के अपोलो 17 और रूस के लूना 21 मिशन का लैंडिंग स्थल है। तो आपको याद रखना है नासा का है, अपोलो किसका है, नासा ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और रूस के का है लूना 21 21, ठीक है? मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोग देखिए 4 से 5 साल के मिनिमम पेपर, कम से कम 4 से 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको पता तो चल जाएगा कि करंट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक अंदाजा तो लग जाएगा आपको। और किस तरह के क्वेश्चन, किस प्रकृति के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की, ये मायने नहीं रखता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि दो चार बातें आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी टेबल पर उस एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस पेपर 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर होना चाहिए मिनिमम, कम से कम। उसके बाद आप मैप्स देख सकते हैं, मैप्स रखिए, और भी जो आपकी किताबें हैं उससे संबंधित उन्हें रखिए बस। तो ये आपको रखना होगा अगर आपको सही दिशा में चलना है तो। वैसे आपके यूपीपीसीएस हो, एमपीपीएससी हो और सिविल सर्विस, इसके तो क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने आपके लगवा दिए हैं, ठीक है? तो आप प्ले लिस्ट सूची में जा सकते हैं, देख सकते हैं।
दूसरा आगे आप है नासा का मार्स रोवर परसवरेंस तेईस जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अपने मंगल अन्वेषण कार्यक्रम के अंग के रूप में मंगल 2020 मिशन के तहत परसवरेंस नामक रोवर का विक्षेपण किया गया है। इसे यूएल ए एटलस भी 541 यानी कि 541 नामक प्रेक्षण यान से केप कैनबेरेल एयरफोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से विक्षेपित किया गया है। तो ये भी पूछ लेता है कहां से और किस मतलब किस प्रेक्षण यान से इसे छोड़ा गया है। तो याद रखिए इसे यूएलए एटलस भी 541 नामक एक विक्षेपण यान है, इससे छोड़ा गया है। कहां से छोड़ा गया है? केप कैनबेरेल एयरफोर्स स्टेशन एयर फ्लोरिडा में। ठीक है, ये आपका अमेरिका का है, नासा एजेंसी अमेरिका की तो है, समझ रहे हैं। परसवरेंस रोवर लगभग 10 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा है। इसका वजन लगभग आप देखेंगे 2260 पाउंड, यानी कि कहने का मतलब है कि 1025 किलोग्राम है। यह रोवर अपने साथ 7 उपकरण को लेकर जाएगा, कितने? 7। नासा के मंगल 2020 मिशन के तहत इंजेन्यूटी नामक हेलीकॉप्टर को परसवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया है। ठीक है, और इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई हवाई वाहन यानी कि हेलीकॉप्टर किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया है। तो इसे भी याद रखना कि पूछ लेगा कि पहली बार कब भेजा गया, किससे भेजा गया, किसके साथ भेजा गया, तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन। यह मिशन मंगल ग्रह 18 फरवरी 2021 को J0 क्रेटर के समीप उतरेगा। इस मिशन की कालावधि 1 मार्च वर्ष की होगी। लगभग आप देखेंगे 687 पृथ्वी दिवस, यानी कि जो 687 जो हमारी धरती पर दिन होंगे 1 मार्च इतने के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह से यह मिशन मंगल ग्रह के भूगर्भ का अध्ययन करके मंगल ग्रह पर न केवल अतीत में रहे जीवों की जीवाश्म की खोज करेगा बल्कि भविष्य में जीवन हेतु आवश्यक परिस्थितियों की खोज करने में भी सहायक होगा। आजकल आप देख रहे हैं कि मंगल मिशन कुछ ज्यादा ही छोड़े जा रहे हैं, इसलिए छोड़े जा रहे हैं कि देखिए पृथ्वी आप समझ रहे हैं जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो हमारे पास कम से कम कोई विकल्प तो होना चाहिए। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हर कोई मंगल मिशन छोड़ने की बात किया जाता है। ठीक है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर अब तक भेजे गए रोवर निम्नलिखित हैं: सोजर्नर ए रोवर, स्पिरिट रोवर, अपॉर्चुनिटी रोवर, क्यूरोसिटी रोवर, ये 4। ठीक है ना, पर आपने देखा होगा कि चीन मंगल मिशन तियानबेन 1 इसने छोड़ने की बात 23 जुलाई 2020 को हैनान प्रांत में स्थित बेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से चीन के लांग मार्च 5 रॉकेट की उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। देखिए चीनी नाम है इसलिए आप देखते हैं कि चीन के तरह रखे जाते हैं, तो आपको याद रखना है तियानबेन 1। ठीक है, इस उड़ान का उद्देश्य चीन के मंगल मिशन तियानबेन 1 को अंतरिक्ष में पृथ्वी मंगल स्थानांतरण कक्षा तक पहुंचाना है, जहां से अंतरिक्ष यान सौ प्रणोदन द्वारा मंगल ग्रह की ओर रवाना होगा। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की मिट्टी और भूगर्भीय संरचना, वातावरण तथा पानी के साक्ष्य की जांच करना है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस मंगल मिशन का नाम तियानबेन 1 रखा गया है, जिसका अर्थ होता है शौक से प्रश्न पूछना। ठीक है, अंतरिक्ष यान का कुल भार लगभग आपका 5 टन है, जिसमें ऑर्बिटर 1 है, लैंडर भी है, रोवर भी है। अंतरिक्ष यान के फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने की संभावना है। ठीक है, आने वाले दिनों में मालूम चलेगा क्या हाल रहा। इस 6 पहिए वाले रोवर का भार 240 किलोग्राम है, कितना? 240 ग्राम। अगर तियानबेन फर्स्ट अपने तीनों उद्देश्यों यथा मंगल की कक्षा में परिक्रमण कर व्यापक सर्वेक्षण करने, उसकी सतह पर लैंड करने तथा रोवर को तैनात करने में सफल होता है तो एक ही मिशन में तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला विश्व का पहला मंगल अभियान बन जाएगा चीन का। ठीक है, इस मामले में चीन नंबर 1 पर हो जाएगा। याद रहे कि इससे पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रोवर उतारने के मंगल ग्रह की परिक्रमा के लिए कई ऑर्बिटर मिशन भेजे थे। इस मिशन में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज तथा अर्जेंटीना की नेशनल स्पेस एक्टिविटीज कमीशन की भी सक्रिय भागीदारी रही है। पर आप देखेंगे कि यूएई का प्रथम मंगल मिशन होप, तो प्रथम मंगल मिशन, ये आप पूछ लेगा कि मंगल मिशन किसका है,
हॉब किसका है? तो ये यूएई का, ठीक है। 20 जुलाई 2020 को जापान के ताने गासिमा अंतरिक्ष केंद्र से संयुक्त अरब अमीरात के पहले मंगल मिशन होप का सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया है। ये क्या हो रहता है कि देखिए, हमारे यहाँ भी तो देखते हैं आप लोग, कई कई उपग्रह हमारे यहाँ से छोड़े जाते हैं विदेशी विदेशों के। कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि अमेरिका, फिर रूस हो, कोई भी देश हो, ये हमारे यहाँ सस्ती एक तरह से तकनीक है, इसलिए हमारे यहाँ से छुड़वाए जाते हैं। तो यह मान लीजिए आप लोग कि यूएई के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उसने जापान की जो अंतरिक्ष केंद्र है, तानेगासीमा अंतरिक्ष केंद्र, यहां से छुड़वाया है, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि हॉपे किसका है? संयुक्त अरब अमीरात का। इसे जापान के मित्सुबिशी H2A प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, यानी कि छोड़ा गया। यह मिशन यूएई अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पूर्णता वित्त पोषित है, जबकि इसका विकास मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा किया गया है। ये भी पूछ सकता है किसने इसे बनाया है। इस मिशन को होप प्रोब, अरबी भाषा में AL अमल नाम दिया गया है, होप प्रोब। यह किसी पश्चिमी एशियाई अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रथम प्रक्षेपित प्रथम मिशन है, ठीक है। अंतरिक्ष यान का कुल भार आप देखेंगे 1350 किलोग्राम ईंधन सहित है। यह अंतरिक्ष यान फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। और याद रहे कि वर्ष 2021 में संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी। एक तरह से इसी के लिए इस तरह की चाल चली गई है या छोड़ेंगे। यूएई द्वारा इस मिशन को प्रथम मंगल ग्रह, मंगल मौसम उपग्रह के रूप में विचारित किया जा रहा है, क्योंकि यह मंगल ग्रह का पर अधिकतम संभाव्य स्थानों पर दिन भर मौसम की निगरानी करने में सक्षम है। याद रहे कि यूएई में प्रथम नैनो उपग्रह नाइक नाइप फर्स्ट को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा PSVLC-37 के माध्यम से फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया था। तो ये भी याद रख सकते हैं। आप देखेंगे अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र को मंजूरी, यानी कि आप देखिए कि अब प्राइवेट सेक्टरों को भी हमारे देश में मंजूरी मिलने की प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी है। 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी प्रदान की है। एक तरह से आप प्राइवेटेशन की बात कर रहे हैं तो यही है, समझ रहे हैं आप? मतलब आप सोचिए कि जैसे मुकेश अंबानी या कोई भी इस तरह के, ये भी आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और अमेरिका में आप देखेंगे बाकी देशों में तो काफी हद तक ये प्राइवेट हाथों में रहता है, ठीक है। इसके तहत निजी क्षेत्र को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सुविधाओं और अन्य समर्थ परिसंपत्तियों का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिससे उनकी क्षमताओं में सुधार हो सके। निजी क्षेत्र को उपग्रह उपग्रह प्रक्षेपणों और उपग्रह आधारित सेवाओं में समान भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस हेतु एक विनियामक निकाय के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र का गठन किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्रमाणीकरण केंद्र अगले 6 महीने में सक्रिय हो जाएगा। यह केंद्र अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी उद्यमों को बढ़ावा देकर एवं निर्देशित कर अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करेगा। IN स्पेस एक सुविधा प्रदायक तथा नियामक की भांति कार्य करेगा। यह इसरो तथा निजी कंपनियों के बीच अंतर संवाद स्थापित करेगा और भारत के अंतरिक्ष संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग एवं अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों को बढ़ावा बढ़ाने के प्रयासों का आकलन भी करेगा, ठीक है। पर आपने सुना होगा कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर छोड़ा गया है, तो याद रखें नूर फर्स्ट किसका है? ईरान का। 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षण किया है। इस उपग्रह को नूर नाम दिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रकाश, यानी कि लाइट। अभी देख रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका क्या कर रहा है, कई तरह के सेंसर लगा रहा है, तो ईरान भी अब अपने आप में शक्तिशाली होना चाह रहा है, यानी कि अपने आप पर तो कम से कम निर्भर रहे, समझ रहे हैं। उपग्रह को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। याद रहे कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स ईरानी सशस्त्र बलों का ये शाखा है। इस उपग्रह को ईरान के स्वदेशी निर्मित रॉकेट कोसेद द्वारा लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को IRGC की स्थापना की 41वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया। याद रहे कि ईरान ने 2009 में अपने पहले स्वदेश निर्मित उपग्रह ओमिद का प्रक्षेपण किया था, ठीक है। ओमिद ये भी ईरान का ही है। फिर आप देखेंगे ओपेक 16, 6 जुलाई 2020 को इजराइल ने अपने जासूसी उपग्रह ओपेक
16 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ओपेक 16 उपग्रह वर्ष 2016 में प्रक्षेपित ओपेक 11 का ही उन्नत संस्करण है, तो ये इजराइल का है। कहाँ का है? इजराइल का। ओपेक 16 एक उपग्रह के माध्यम से इजराइल अत्यधिक परिशुद्धता के साथ संपूर्ण मध्य पूर्व तथा अन्य क्षेत्रों का अवलोकन कर सकेगा। याद रहे कि इजराइल ने अपने पहले उपग्रह ओपेक फर्स्ट को वर्ष 1988 में प्रक्षेपित किया था। कब? 1988 में, ठीक है। और ओपेक था जो 11 ये 16 में, और जो अभी ओपेक 16 है ये 2020 में, ठीक है। इन्हें भी याद रखिए, नए नए देश हैं और अभी उभर रहे हैं इसलिए। फिर आप देखेंगे दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस सेकंड, ये कहां गया है? दक्षिण कोरिया का। 20 जुलाई 2020 को दक्षिण कोरिया ने अपने पहले सैन्य उपग्रह अनासिस सेकंड का प्रक्षेपण किया है। इसे अमेरिका की निजी कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा कैप कैनबेरेल एयरपोर्ट स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। किसके? अमेरिका की जो निजी कंपनी है स्पेस एक्स के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा इसे छोड़ा गया है। और एनासिस सेकंड पूरी तरह से दक्षिण कोरियाई सैन्य उपयोग के लिए समर्पित है। इसके पूर्व वर्ष 2006 में प्रक्षेपित अनासिस फर्स्ट अरेन आसैन और सैन दोनों के उपयोग के लिए था, तो इससे पहले यह फर्स्ट भी पहुंच चुका है। ये दक्षिण कोरिया का एनासिस फर्स्ट ये आसैन और सैन दोनों के उपयोग के लिए छोड़ा गया था 2006 में। याद रहे कि पूर्ण रूप से सैन्य उपयोग के लिए समर्पित उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला दक्षिण कोरिया विश्व का 10वां देश बन चुका है। किस नंबर का? 10वां। फिर आप सुने, आप लोगों ने सुना होगा व्योम मित्र। क्या है ये व्योम मित्र? हाल ही में बेंगलोर में इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स AIAA और एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान एक अर्धमानवीय महिला रॉबेट का अनावरण किया है, ठीक है। इस अर्धमानवीय महिला रॉबेट का नाम क्या रखा गया है? व्योम मित्र। तो ये बड़े ध्यान से याद रखिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस रोबोट को भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। देखिए ऐसा होता है कि आप सोचें कि डायरेक्ट पहली बार मानव पर कोई भी, आप वैक्सीन भी देखते हैं तो पहले चूहों पर इसका देखते हैं असर क्या हो रहा है, उसके बाद कई चरण से गुजरती है, उसके बाद मानव पर इसका ट्रायल किया जाता है। तो इसी तरह अंतरिक्ष में भेजने की बात हो तो आप समझिए कि डायरेक्ट मानव को नहीं भेज सकते हैं, मालूम नहीं कि हम किस सफल हों या असफल हों, तो इसलिए पहले हम लोग एक तरह से ट्रायल करते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोग समझते हैं कि मॉक टेस्ट क्यों दिया जाता है, आप लोग टेस्ट क्यों लगाते हैं? इसलिए कि अपनी औकात एक तरह से हमें मालूम चले कि हम किस स्थिति में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। अगर आप समझिए कि अगर आप टेस्ट नहीं देते हो डायरेक्ट पेपर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको मालूम चलेगी। इसीलिए तो आप सिखाया जाता है कि आप क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा लगाइए कि आपको अंदाजा हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हमारी कितनी क्षमता है। व्योम मित्र शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों व्योम और मित्र से मिलकर बना है। यह एक अर्धमानवीय रोबोट है जिसे महिला का रूप प्रदान किया गया है। इसे अर्धमानवीय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस रोबोट के पैर नहीं है और संपूर्ण शरीर केवल धड़ तक ही है। अंतरिक्ष अभियान में लगभग सभी कार्य क्रू मॉड्यूल के अंदर ही होते हैं, अधिकतर गतिविधियों पैरों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः इस रोबोट को अर्धमानव बनाया गया है। पर आप देखें कि विश्व के प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड अगस्त 2019 में रूस में मानव रहित रॉकेट के माध्यम से फेडोर नामक रोबोट को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है। वर्ष 2018 में साइमन तथा वर्ष 2019 में साइमन 2 नामक रोबोट अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। वर्ष 2011 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रोबोनॉट 2 को अंतरिक्ष में भेजा था। 2013 में जापान ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किरोवो नामक रोबोट को कोइची वाकाता नामक अंतरिक्ष यान के साथ भेजा था। याद रहे कि विश्व की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट नागरिक सूफिया जिसे सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है, ये भी अभी कभी कुछ ही दिन पहले चर्चा में भी था, तो सऊदी अरब ने नागरिकता प्रदान की है। आपको भी नागरिकता देखते हैं ना कि हमारी भी नागरिकता होती है इसी तरह। फिर आप देखेंगे G-SAT-30 का सफल प्रक्षेपण। 17 जनवरी 2020 को कोरू पिक्चर बेस फ्रेंच गुहाना दक्षिण अमेरिका में व्यवसायिक प्रक्षेपण सेवा प्रदाता कंपनी एरियन स्पेस के एरियन 5
रॉकेट ने उड़ान भरी है। इस मिशन के तहत एरियन 5 ने दो संचार उपग्रहों यथा जी सेट 30 और यूटेल सेट कनेक्ट को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया है। यह मिशन मिशन के तहत एरियन 5 रॉकेट ने अंतरिक्ष में कुल 7,888 किलोग्राम पेलोड को स्थापित किया है। जी सेट 30 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन एवं निर्मित एक दूर संचार उपग्रह है। कौन सा? जी सेट 30। जी सेट 30 24वां भारतीय भूस्थिर उपग्रह है जिसे एरियन स्पेस ने प्रक्षेपित किया है। यह उपग्रह परिष्कृत 1 से 3 किलो प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह उपग्रह कक्षा में इनसेट 4A का स्थान लेगा। ठीक, अब देखेंगे जी सेट 30 की यानी कि जी सेट 30 की मुख्य विशेषताएं क्या है। उत्थापन यानी कि लॉन्च मास कितना, भार कितना है इसका? 3,357 किलोग्राम। ऊर्जा की बात करें तो 6 किलोग्राम, माफ करिए 6 किलो वाट। कक्षीय स्थिति की बात करें तो 83 डिग्री पूर्व। पेलोड की बात करें तो सी बैंड और के यू बैंड ट्रांसपोंडर्स। कवरेज क्षेत्र की बात करें तो सी यू बैंड भारतीय कवरेज एरिया। मुख्य भूमि तथा द्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो सी बैंड व्यापक कवरेज। और मिशन अवधि की बात करें यानी कि कितने साल तक, तो 15 प्लस है, ठीक है, 15 वर्ष तक। जी सेट 30 का प्रयोग व्यापक रूप से बी सेट नेटवर्कों और टेलीविजन अपलिंकिंग और टेलीपोर्ट सेवाओं, TSNG, DTH टेलीविजन सेवाओं और अन्य बहुत से ऐसे अनुप्रयोगों को सहयोग प्रदान करने में किया जाएगा। यह उपग्रह KU बैंड के माध्यम से भारतीय मुख्य भूमि और द्वीपीय क्षेत्र में संचार सेवाएं प्रदान करेगा, जबकि यह उपग्रह सी बैंड के माध्यम से खाड़ी देशों, कई एशियाई देशों, ऑस्ट्रेलिया में व्यापक कवरेज उपलब्ध कराएगा और 3,620 यानी कि 3,620 किलोग्राम वजनी यूटेल सेट कनेक्ट यूरोपीय उपग्रह संचालन यूटेल सेट का 34वां उपग्रह जिसे एरियन स्पेस ने प्रक्षेपित किया है। यह नई पीढ़ी का उच्च थ्रूपुट उपग्रह जो यूरोप और अफ्रीका में सेवाएं प्रदान करेगा। फिर आप देखेंगे PSLV का 50वां मिशन। 11 दिसंबर 2019 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 50वीं, किस नंबर की? 50वीं सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। PSLV 48 ये 50वीं उड़ान थी। ठीक, इस अवसर पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन द्वारा PSLV@50 नामक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है। तो ये भी पूछ लेगा कि PSLV@50 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था और कब किया था। तो याद रखना, ये आपका 11 दिसंबर 2019 को जब 50वीं उड़ान भरी गई PSLV C-48 द्वारा, तभी इसका इस तरह से विमोचन किया था। ठीक है, PSLV की 50वीं उड़ान के साथ साथ यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत से प्रक्षेपित 75वां प्रक्षेपण यान है। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में। इसके अतिरिक्त यह PSLV के नए संस्करण PSLV-QL की द्वितीय उड़ान भी है। ठीक है, मिशन के तहत PSLV ने भारतीय उपग्रह रिसेट 2BR-1 के साथ 9 विदेशी उपग्रहों को भी उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया है। इन विदेशी उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की व्यावसायिकता का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ हुए व्यावसायिक समझौते के तहत लॉन्च किया गया है। रिसेट 2BR-1 एक रडार इमेजिंग भू अवलोकन उपग्रह। इस उपग्रह का प्रमोशन भार कितना है? 628 किलोग्राम। एक्स बैंड के रडार से लेस इस उपग्रह की मिशन अवधि 5 वर्ष है। यह उपग्रह कृषि, वानिकी एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। यानी कि किससे संबंधित है? कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन से संबंधित। मिशन के तहत 4 देशों के कुल 9 उपग्रहों का प्रक्षेपण PSLV द्वारा किया गया है। इनमें अमेरिका के 6 और इजराइल, इटली और जापान के 1-1 उपग्रह शामिल है। अगर विदेशी उपग्रहों का उपकरणों की बात करें उपग्रहों की, तो उपग्रह का नाम है QPS-SAR, ये संख्या 1 है, जापान का है। इसका उद्देश्य रडार इमेजिंग भू अवलोकन। फिर आप देखेंगे टाइबैक 0092 ये इटली का है।
खोज एवं बचाव से उद्देश्य स्थान, टाई वेक ए 0-129, ये अमेरिका का है। प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इसका करना उद्देश्य है। डोची फैट 3, ये इजराइल का है। सुदूर संवेदन इसका एक तरह से उद्देश्य है। लेमूर की बात करें तो ये अमेरिका का है। ये 4 है, ठीक है, संख्या है। बहुमिशन सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म उद्देश्य इसका। एक हॉप सेट की बात करें तो ये भी अमेरिका का है। भू इमेजिंग इसका उद्देश्य है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि PSLV-C47 कार्टोसैट 3 मिशन 27 नवंबर 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 49वीं उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। इस मिशन के तहत PSLV-C47 ने भारत के कार्टोसैट 3 सहित दे रहे विदेशी नैनो उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित कर दिया है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सार से प्रमोचित 74वां प्रक्षेपण यान था। किस नंबर का? 74वां। यह है मिशन PSLV की 49वीं उड़ान थी। और 50वीं आपने देखा है कि PSLV-C48 द्वारा 50वीं पूरी की गई है। साथ ही PSLV के XL संस्करण की 21वीं उड़ान थी। उच्च विभेदन क्षमता के चित्र लेने की क्षमता संयुक्त कार्टोसैट 3 पीढ़ी का अत्याधुनिक भू अवलोकन उपग्रह। यह कार्टोसैट श्रृंखला का 9वां उपग्रह है। किस नंबर का? कार्टोसैट का 9वां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित अब तक का सर्वाधिक विभेदन क्षमता वाला असैन्य उपग्रह है। विश्व के किसी भी असैन्य सुदूर संवेदन उपग्रह की तुलना में यह अधिक स्पष्ट तस्वीरें खींचने में सक्षम भी है। याद रहे कि कार्टोसैट 3 509 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी पर स्थित न्यूनतम 25 सेंटीमीटर आकार वाली वस्तुओं की भी स्पष्ट तस्वीरें खींच सकता है। इसके पूर्व यह रिकॉर्ड अमेरिका कंपनी मैक्सर के स्वामित्व वाली वर्ल्ड व्यू 3 नामक उपग्रह की नाम था, जो पृथ्वी पर स्थित न्यूनतम 31 सेंटीमीटर के आकार वाली वस्तुओं की तस्वीरें खींचने में सक्षम था। हम इससे भी और आगे निकल गए, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इस उपग्रह द्वारा भेजी गई तस्वीरें व्यापक स्तरीय शहरी नियोजन, ग्रामीण संसाधन और अवसंरचना विकास, तटीय भूमि प्रयोग और स्थलीय आवरण आदि क्षेत्रों में उपयोग साबित होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप सुनते रहते हैं कि इतनी फसल हुई है, यहाँ बाढ़ आई हुई है, या फिर कह देते हैं आप लोग कि यहाँ तूफान आया हुआ है, इतने वन है। तो देखिए, आप एक समय खत्म हो गया, वो समय आप जाके हर गांव में पूछेंगे ये सुविधा है, इतना बने, हाँ है, इतना बने है। अब डायरेक्ट आपकी उपग्रह से, सैटेलाइट से आपकी तस्वीरें ली जाती हैं और बता दिया जाता है कि ये मध्य प्रदेश में इतना है, यूपी में इतने वन है, इतनी फसल हुई है, एक तरह से अंदाजा लगा के, ठीक है। फिर आपने देखेंगे कार्टोसैट 3 उपग्रह। उपग्रह का प्रकार की बात करें तो ये भू अवलोकन से संबंधित है। प्रमोचक रॉकेट की बात करें तो PSLV-C47। इसकी मध्य ऊंचाई की बात करें तो 509 किलोमीटर। मध्य झुकाव की बात करें तो 97.5 डिग्री। कुल भार की बात करें तो 16/25 किलोग्राम। ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो 2000 वाट। और मिशन अवधि की बात करें यानी कितने साल तक, तो 5 साल तक। फिर आप देखेंगे मिशन के तहत PSLV-C47 ने द्वितीय पेलोड के रूप में अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों को भी उनकी निर्धारित कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। ये अमेरिका के 13 नैनो उपग्रह हैं। इन 13 नैनो उपग्रहों में अमेरिकी कंपनी प्लेनेट लैब्स के 12 सुपर डब उपग्रह भी शामिल हैं इसमें, जिन्हें सामूहिक रूप से फ्लॉप 4P नाम दिया गया है। याद रहे कि मिशन के तहत प्रक्षेपित एक अन्य अमेरिकी उपग्रह मैस बेड है, जो मैसाच्यूट्स स्थित कंपनी एनालिटिकल स्पेस इंक द्वारा निर्मित एक क्यूब सेट है, ठीक है। पर आपने देखा होगा कि 112 बहिर ग्रहों का नामकरण। 17 दिसंबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU द्वारा पेरिस में 112 बहिर ग्रहों, उनके मेजबान तारों का नामों की घोषणा की गई है। याद रहे कि IAU के 100वें स्थापना दिवस समारोह के अंग के रूप में प्रायोजित नेम एक्सो वर्ल्ड्स नामक एक वैश्विक प्रतियोगिता के माध्यम से इन वही ग्रहों एवं उनके मेजबान तारों का चुनाव किया गया था। इस प्रतियोगिता में विश्व के 112 देशों ने भाग लिया था, यानी कि प्रतिभाग किया। इसके तहत 7,80,000 से अधिक लोगों ने नामों का सुझाव दिया था। भारत ने इस अभियान का संचालन भारतीय ज्योति विज्ञान परिषद की पब्लिक आउटरीच एंड एजुकेशन कमेटी द्वारा किया। नेम एक्सो वर्ल्ड प्रतियोगिता के तहत भारत को HD 86,081 नामक तारे
और उनकी परिक्रमा करने वाली वायु ग्रह HD 86,081 B के नाम सुझाने सुझाने थे। ठीक है, सेक्सटेंस तारामंडल में स्थित सफेद पीले तारे HD 86081 यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि 86,081 को विभा नाम दिया गया है। क्या विभा? यह नाम प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिक विभा चौधरी के नाम सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने अव परमाणु कण पाई मैसोन की खोज की थी। याद रहे कि बंगाली भाषा में विभा का अर्थ होता है एक दीप्तिमान प्रकाश पुंज, जबकि HD 86081 B बहिर्ग्रह का नाम संत मस रखा गया, संत मस, जो इसके वायुमंडल की मेघ युक्त प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। याद रहे कि संत मस मेघमय के लिए संस्कृत शब्द है। विभा नाम सूरत स्थित सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 22 वर्षीय छात्र अनन्य भट्टाचार्य ने सुझाया था, जबकि बहिर्ग्रह के लिए संतमस नाम का सुझाव पुणे स्थित सिंहगढ़ स्पिंग डेल पब्लिक स्कूल के 13 वर्षीय छात्र विद्यासागर दाऊद ने सुझाव दिया था। पृथ्वी से लगभग 340 विकाश वर्ष दूर HD 86081 तारा सूर्य की तुलना में अधिक गर्म और बड़ा एवं पुराना है। यह एक पीला सफेद बौना तारा है जो सेक्सटेंस तारामंडल में स्थित है। इसकी सतह का तापमान आप देखेंगे तो 6028 डिग्री केल्विन है तक पहुंच जाता है, जो इसे पीला रंग प्रदान करता है। HD 86081 B नामक बहिर्ग्रह की खोज 17 अप्रैल 2006 को 10 मीटर श्रेणी के WM के एक दूरबीन द्वारा की गई थी। बड़ी अजीब है, यह बहिर्मंडल इतना गर्म है कि इस पर स्वर्ण और यहां तक कि लोहा तक पिघल सकता है। फिर आप देखेंगे शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह। पहले आप सुनते थे कि बृहस्पति जो ग्रह है इसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, लेकिन अब आपके शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह देखने को मिलेंगे। 7 अक्टूबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर द्वारा शनि ग्रह के 20 नए उपग्रह की उपग्रहों की खोज की गई है। अमेरिका की वॉशिंगटन DC स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के खगोलविद स्टॉक एस सेपर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे इन 20 नए उपग्रहों की खोज की है। हवाई द्वीप स्थित मोनाकी नामक एक सुसुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारु दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रहों की खोज की है। तो इस दूरबीन का नाम याद रखिए, सुबारु दूरबीन। इस नई खोज के साथ ही अब छल्लेदार ग्रह शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है। कितनी? 82 हो चुकी है। ठीक है, इन्हें भी बड़े अच्छे से याद रखिए, 82। हमारा भी एक पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, कौन सा है? नीचे आप लोग लिखिए, बड़ा सरल है सर। इस प्रकार शनि और सौर प्रणाली का ऐसा ग्रह बन गया है जिसके ज्ञात प्राप्तिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। शनि ग्रह से पूर्व और सौर प्रणाली में बृहस्पति के सर्वाधिक 79 थे, लेकिन आप देख रहे हैं आप लोग की 82 आपके शनि के हो चुके हैं। शनि ग्रह के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर लगभग 3 मील है। कुल 20 उपग्रहों में से 17 उपग्रह अक्ष के पिता शनि के गुणन की विपरीत दिशा में उसका परिक्रमण कर रहे हैं, जब शेष 3 उपग्रह शनि के अपने अक्ष के परिणा गुणन की दिशा में ही उसका परिक्रमण कर रहे हैं। अब बात करते हैं पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। तो 23 सितंबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा जारी एक वक्तव्य के अनुसार 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह का नाम प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो इसकी खोज 2006 में हुई थी। 2006 BP 32 नामक इस उपग्रह को, इस क्षुद्र ग्रह को अब पंडित जसराज नाम से जाना जाएगा। इसका एक दूसरा नाम और दिया गया है, पंडित जसराज, या फिर 3000 कितना 3,128 यानी कि 300128। ठीक है, और पहले का नाम भी पूछेगा 2006 VP 32 था इसका नाम। ठीक है, और आपसे पूछेगा पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो ये भारतीय शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, याद रहे कि क्षुद्र ग्रह का क्रमांक 3,128 यानी कि 300128 वास्तव में पंडित जसराज की जन्मतिथि यानी कि 28
2030 का विपरीत क्रम है, आप समझ रहे हैं, 30 01 28, यानी कि इनकी जन्म तिथि, इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछ लेता। देखिए इस समय में मुझे लगता है क्वेश्चंस के बारे में बता पाना संभव नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब आपसे पूछ लेगा कि ये इसका नाम क्यों रखा गया है, 3 लाख 128 क्यों रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? आप लोगों को याद रखना होगा कि जन्म तिथि से संबंधित है या उनके स्थान से संबंधित है, ये और भी ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है जन्म तिथि से संबंधित है इनका, इनकी जो जन्म तिथि थे उसका मतलब विपरीत कर दिया गया है, तो इस नाम को निकाला गया। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के मध्य स्थित इस क्षुद्र ग्रह की खोज 11 नवंबर 2006 को कैटेलिना स्काई सर्वेक्षण के माध्यम से की गई थी। किसके द्वारा? कैटेलिना स्काई सर्वेक्षण। याद रहे कि सर्वेक्षण में शामिल दोनों दूरबीन अमेरिका के एरिजोना में स्थित हैं, अमेरिका में। और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित पंडित जसराज पहले भारतीय संगीतज्ञ हैं जिनके नाम पर किसी ग्रह या क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। याद रहे कि 17 अगस्त 2020 को पंडित जसराज का देहांत भी हो गया। ये भी पूछ सकते हैं कि इनकी कब डेथ हुई, तो याद रखिए 17 अगस्त 2020, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि रमन सेट 2 का प्रक्षेपण किया गया है, रमन सेट 2। 23 सितंबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमन सेट नामक एक लघु उपग्रह का विक्षेपण किया है, नासा ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। इस उपग्रह को टेक्सास अमेरिका स्थित नासा की कोलंबिया साइंटिफिक बैलून फैसिलिटी से विक्षेपित किया गया है, तो इस स्थान को भी नाम याद रखना होगा। इस विक्षेपण के तहत नासा की शून्य दाब वाली वैज्ञानिक गुब्बारे की सहायता से इस उपग्रह को लगभग 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, जहां परिस्थितियां काफी हद तक बाह्य अंतरिक्ष आउटर स्पेस के समान ही होती हैं। रमन सेट 2 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक मिशन है। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन के सम्मान में इस उपग्रह को रमन सेट 2 नाम दिया गया था। ये भारतीय आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता है भौतिकी के क्षेत्र में मिलाते हैं। रमन सेट 2 एक छोटे घन के आकार का उपग्रह है जिसकी माप की बात करें तो 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर × 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। रमन सेट 2 उपग्रह को एक 17 वर्षीय भारतीय छात्र आवास सिक्का ने स्पेस इंडिया नामक संगठन में पिसिचू के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान डिजाइन किया था। याद रहे कि प्रक्षेपण हेतु नासा द्वारा रमन सेट 2 उपग्रह का चयन क्यूबेक्स इन स्पेस नामक एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था, ये प्रतियोगिता हुई थी इसी में चुना गया था। याद रहे कि क्यूबेक्स इन स्पेस 11 से 18 वर्ष तक की उम्र के छात्रों हेतु आयोजित की जाने वाली एकमात्र वैश्विक प्रतियोगिता है जो बिना किसी शुल्क के उन्हें लघु उपग्रहों प्रयोगों को डिजाइन करने का अवसर प्रदान करती है। याद रहे कि रमन सेट 2 स्पेस इंडिया के संरक्षण में डिजाइन किया गया दूसरा उपग्रह है जिसे नासा ने प्रक्षेपित किया है। इसके पूर्व आप देखेंगे क्यूबेक्स इन स्पेस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्पेस इंडिया के रमन सेट 1 लघु उपग्रह को नासा ने 20 जून 2019 को प्रक्षेपित किया था। रमन सेट 1 लघु उपग्रह को नासा ने 20 जून 2019 को इसे प्रक्षेपित किया था। रमन सेट 2 लघु उपग्रह अंतरिक्ष में कम लागत के गामा किरण संवेदन के प्रयोग द्वारा अनुसंधान संचालित करेगा। याद रहे कि कलाम सेट किसी भारतीय छात्र द्वारा विकसित प्रथम प्रायोगिक उपग्रह था जिसे नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो इससे पहले कलाम सेट भी छोड़ा जा चुका है। फिर आपने देखा होगा चंद्रयान 2 भारत का द्वितीय चंद्र मिशन काफी हद तक देखिए सफल भी रहा है, समझ रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं असफल रहा है, तो काफी हद तक अपने एक काम में सफल रहा है। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब आपसे पहले तो सबसे पूछ लेगा, यही पूछ सकता है, देखिए अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि क्लियर नहीं कहना मुश्किल है इस बार, क्योंकि 2020 में आप देख रहे हैं कमी घटनाएं घटी हुई है, तो एक बात इसमें याद रखिए, मुझे लगता है कि या तो पूछ लेगा, डेट पूछ सकता है कब ये छोड़ा गया था, तो 22 जुलाई 2019 को कहां से, श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से, किसके द्वारा, GSLV जो Mark 3 है, कौन सा Mark 3, इसे याद रखना, मुझे लगता है कि एक बार दो चार बार मैंने देखा है अभी क्वेश्चन पेपर कौन कोई बता रहा था, पूछा भी जा चुका है, तो किसके द्वारा छोड़ा गया, GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया है, ठीक है।
जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। लिफ्ट ऑफ के लगभग 16 मिनट 14 सेकंड बाद रॉकेट ने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित कर दिया। याद रहे कि इसके पूर्व आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में 15 जुलाई 2019 को जीएसएलवी मार्क 3 प्रक्षेपण यान के माध्यम से भारत के द्वितीय चंद्र मिशन चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण प्रस्तावित था। पहले आपने देखा होगा 15 जुलाई को ये प्रस्तावित था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आने के कारण इसे बढ़ा दिया गया था। लेकिन प्रक्षेपण से लगभग एक घंटा पूर्व प्रक्षेपण यान प्रणाली में तकनीकी खराबी का पता चलने पर इसरो के वैज्ञानिकों ने पर्याप्त सावधानी बरतते हुए चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण स्थगित कर दिया था। उसके बाद आपने देखा है कि 22 जुलाई को यह किया गया था, ठीक है, पहले 15 जुलाई को होना था। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत एक ऑर्बिटर, लैंडर और एक रोवर शामिल था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर लैंडर को विक्रम नाम दिया गया था। जो इसमें लैंडर था उसका नाम विक्रम था, ठीक है, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। 2369 यानी कि 2369 किलोग्राम वजनी ऑर्बिटर को 100x100 किलोमीटर वाली चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमण के दौरान ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का अवलोकन करेगा। ऑर्बिटर से लगभग अलग होकर 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में लैंड करने की प्रक्रिया के दौरान लैंडर का संपर्क इसरो के नियंत्रण केंद्र से टूट गया था। 1477 किलोग्राम वजनी विक्रम लैंडर के माध्यम से 6 पहियों वाले विज्ञान रोवर वजन 26 किलोग्राम को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाना था। याद रहे कि लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन इसरो से संपर्क टूट जाने के कारण यह हार्ड लैंडिंग के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरा है। करवानी थी हमें सॉफ्ट लैंडिंग, लेकिन ये टूट गया था, इसमें जो कनेक्शन था इसरो का उसका टूट गया था एक तरह से आप कह सकते हैं, और हार्ड लैंडिंग हुई है। 10 सितंबर 2019 को इसरो द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा लैंडर का पता लगा लिया गया, लेकिन उससे संपर्क स्थापित नहीं हो सका। 31 अक्टूबर 2019 को इसरो द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में चंद्रमा के वायुमंडल में ऑर्गन 40 की उपस्थिति का पता भी लगाया। तो ये भी पूछ सकता है कि ऑर्गन 40 का पता किस उपग्रह की सहायता से लगाया गया, तो चंद्रयान 2 के, किसके, चंद्रयान 2। तो इसे यहीं रोकते हैं हम लोग, क्योंकि आपका जो भी अद्यतन खगोलीय गतिविधियां थी दो जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है आपकी 19 और 20 की। और याद रखिए 19 का हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि दिसंबर में पेपर हुआ था यूपीपीसीएस का आपका, तो कुछ पुरानी जो बुक्स आई हुई थी वो उसे भी कवर किया था। अगर आपके पास टाइम तो मुझे लगता है 19 घंटे की करीब क्लास डली हुई है सुपर फास्ट रिविजन के नाम से, उसमें जाकर उसे देख लीजिए। मुझे लग रहा है कि उससे क्वेश्चन इस बार अधिक पूछने की संभावना है, तो उसे भी अगर टाइम है आपके पास तो उसे भी देख लीजिए। चलिए अगला हम लोग टॉपिक इसी में बात करेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अद्यतन तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के बारे में एक सेपरेट हम लोग छोटी छोटी क्लास में रखेंगे, ठीक है।